एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानवीर 71। एचपी टेट मेडिकल के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की है उसके एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एचपी टेट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। तो पॉलीमॉर्फिक का यहाँ पे मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। पॉलीमॉर्फिक वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है पॉली और दूसरा है मॉर्फिक। पॉली का मतलब होता है मैनी या बहुत सारे, और मॉर्फिक का मतलब है शेप या साइज़ या एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं वो, उसका एग्जैक्ट शेप क्या है या साइज़ क्या है। तो इसका मतलब कंप्लीट जो मीनिंग है वो है कि कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो एक से ज़्यादा अपने रूप दिखाती है। कभी हो सकता है वो राउंडेड हो जाए, कभी कोई शेप ले ले, कभी कोई शेप ले ले। तो ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है। हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है राइजोम, तीसरा ऑप्शन है लाइसोजोम एंड चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोजोम। क्योंकि हम लोगों ने लाइसोजोम के बारे में पढ़ा है कि लाइसोजोम जो है वो सुसाइडल बैग की तरह भी काम करता है। कभी कभार ये जो फैगोसाइट सेल्स हैं उनकी तरह भी काम करता है। तो डिफरेंट कंडीशन में ये डिफरेंट तरह के काम करता है और डिफरेंट तरह की शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। फ्लेम सेल्स जो हैं किस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। पहला ऑप्शन है राउंड वॉर्म, दूसरा ऑप्शन है इंसेक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है मलस्क एंड लास्ट ऑप्शन है प्लैटीहेल्मिंथीज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है प्लैटीहेल्मिंथीज। प्लैटीहेल्मिंथीज को कॉमनली कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स इज द एग्जैक्ट नेम फॉर प्लैटीहेल्मिंथीज। अब राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म को एस्केल्मेंथीज बोला जाता है, और राउंड वॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं रेनेट सेल्स। ठीक है, और जो इंसेक्ट्स हैं इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लैटीहेल्मिंथीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर्स पास्ड ऑन टू फ्रेश वाटर विल कॉज। जब फ्रेश वाटर में फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन, दूसरा ऑप्शन है स्पॉट इन एक्वाटिक एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन है डेथ ऑफ प्लांट्स एंड लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन फिश पॉपुलेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज़ द एग्जैक्ट आंसर। अब यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, जैसे पानी में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है वो चले जाते हैं, तो जैसे वहाँ पे कोई ना कोई प्लांट ऐसा होगा कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस टर्म को हम एग्जैक्ट यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जो प्लांट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनसे क्या होगा कि जो पानी के अंदर रहने वाली फिशेज हैं या जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वो भी वहाँ पे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टर्म पूछी है तब हम यूट्रोफिकेशन को यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ WBCs आर। तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है एसिनोफिल एंड तीसरा ऑप्शन है बेसोफिल एंड चौथा ऑप्शन है मोनोसाइट्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इज़ द करेक्ट आंसर। इससे पहले भी शायद हमने यही क्वेश्चन किया था और मैंने उसमें बताया था कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सर्कुलर इन शेप होती हैं और ये मैनी लोब्ड हो सकती हैं, बड़े सारे लोब हो सकते हैं, 2 to 5 लोब भी हो सकती हैं या उससे ज़्यादा लोब भी इनमें हो सकते हैं। और न्यूट्रोफिल्स का बेसिकली जो मेन फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, एरिल किसका एडिबल पार्ट है? पहला ऑप्शन है एप्पल, दूसरा ऑप्शन है लीची, तीसरा ऑप्शन है बनाना एंड चौथा ऑप्शन है मैंगो। तो इनमें थोड़ा सा ऑड जो है वो लीची है, तो ये लीची का पार्ट है। अब लीची आप लोगों ने देखी होगी, जैसे बीच में ऐसे बीज होता है उसका सीड, और साइड में लीची कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट शेप तो नहीं आ रही लेकिन ये होती है। तो ये जो फ्लैशी पार्ट है इसको हम एरियल बोलते हैं। ये जो फ्लैशी पार्ट दिख रहा है इसको हम एरियल बोलते हैं। सीड के अराउंड फ्लैशी पार्ट और स्पेरिका के अंदर, इसको हम एरियल के नाम से जानते हैं और ये एडिबल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। हमारे पास, हमारा पहला ऑप्शन है एटीपी एंड शुगर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, तीसरा ऑप्शन है एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2 एंड लास्ट ऑप्शन है एटीपी हाइड्रोजन O2 डोनर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीपी हाइड्रोजन डोनर एंड O2। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रैना में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई। हमारे पास पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन है लमार्क, तीसरा ऑप्शन है डार्विन एंड चौथा ऑप्शन है हग्सले। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है स्पेंसर, स्पेंसर इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो डार्विन ने बोला है। नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात सबसे पहले जो की थी वो की थी स्पेंसर ने। इसके बाद डार्विन ने जब अपनी बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, तो उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज जो थी इसको कोट किया था। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्पेंसर दे रहे हैं। मोस्टली बच्चे स्पेंसर और डार्विन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम पहले पढ़ते थे तो हम भी ऐसा सोचते थे कि डार्विन ने दिया है, लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला कि स्पेंसर ने दिया है और डार्विन ने इसको कोट किया है। हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज़। पहला है कोरियोनिक प्लेसेंटा, दूसरा ऑप्शन है डेसीडुएट प्लेसेंटा, तीसरा ऑप्शन है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट अकर इन। पहला ऑप्शन है वॉल ऑफ ग्लोमरल कैपलरीज, दूसरा ऑप्शन है कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, तीसरा ऑप्शन है इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड लास्ट ऑप्शन है नेक रीजन ऑफ नेफ्रॉन। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, तीसरा ऑप्शन है इनेट इम्यूनिटी एंड लास्ट ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑड पेयर आउट। पहला ऑप्शन है मोनेरा इज इक्वल टू यूकैरियोट, दूसरा ऑप्शन है पॉरीफेरा क्वानोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है सिलेंट्रेटा नेमाटोसिस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है एनालिटा मेटामेरिज्म। तो हमारे पास ऑड अगर हमने इनमें से पता करना है तो हमारे ही पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट हैं ना कि यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा जो है वो फर्स्ट फर्स्ट किंगडम है, तो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में क्वानोसाइट सेल होते हैं। सी जो ऑप्शन था वो था सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में नेमाटोसिस्ट होती है जिससे एक एक टॉक्सिन निकलता है जो कि पैरालाइज कर सकता है जो भी प्रे
इन फ्रंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म है, और लास्ट ऑप्शन है मेटामेरिज्म। तो हमने एज यूजुअल देखा है कि अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म में इनर एज वेल एज आउटर मेटामेरिज्म हम लोगों ने देखा है ऐसे को। तो ये मेटामेरी का सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होती है एनालिड में। तो हमारे पास ऑड ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स? तो पहला ऑप्शन है नोविकॉफ, दूसरा ऑप्शन है फोंटाना, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज पैलाडे एंड लास्ट ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा जॉर्ज पैलाडे। दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द स्टोमेटल मूवमेंट? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है जिब्रिलिन, तीसरा ऑप्शन है साइटोकाइन एंड लास्ट ऑप्शन है ए बी ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी ए, एबिस्किस एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी? पहला ऑप्शन है फोरेंटल लोब, दूसरा ऑप्शन है पैराइटल लोब, तीसरा ऑप्शन है टेम्पोरल लोब एंड लास्ट ऑप्शन है ऑसिपिटल लोब। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा फोरेंटल लोब इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकागन, तीसरा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैसोप्रेसिन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इंसुलिन और वैसोप्रेसिन में। तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो वो डायबिटीज़ हो जाती है, और वो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो वैसोप्रेसिन कॉज करता है। डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में सिर्फ एक फ़र्क है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और उतना ही आप यूरिन पास आउट करोगे अपनी बॉडी से, ठीक है। जबकि डायबिटीज़ मेलाइटस में ये सब कुछ नहीं होता, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, वैसोप्रेसिन। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl इज सिक्रेटेड बाय? पहला ऑप्शन है पेप्टिक सेल, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबुलर सेल, तीसरा ऑप्शन है आर्गेनटिफ सेल्स, हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑक्सेंटिक सेल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सेंटिक सेल्स। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप अपने टॉपिक्स भी बता सकते हैं जो आपको टफ़ लगते हैं, और उनको हम लोग जो हैं वो यहाँ पे लेके आएंगे। उन टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग टॉपिक मेंशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।